डॉक्टर्स डे के उपलक्ष्य पर AM मॉर्निंग राइजर कैंपेन में आज हमारे साथ हैं देश के जाने माने हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर राजेश बधानी, जो हमें अपने हृदय को स्वस्थ रखने के बारे में अधिक जानकारी देंगे और साथ ही हमें बताएंगे कि अर्ली मॉर्निंग हार्ट अटैक से कैसे बचा जाए। सो वेलकम डॉक्टर राजेश बधानी, जो आज पुणे से हमारे साथ है। मेरा सवाल आपसे है कि डॉक्टर, मॉर्निंग हार्ट अटैक से कैसे बचाव किया जा सकता है? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि लोगों को, एज यंगस्टर्स बिलो 50 इयर्स, लोगों को पता नहीं है कि उन्हें ब्लड प्रेशर है या नहीं है। दैट इज वन थिंग। और सबसे बड़ी बात है कि हम अपने पल्स का उतना ध्यान नहीं रखते, और कोई भी डॉक्टर नहीं बताता कि मेरा पल्स रेट अगर 75 या 80 बीट से ज्यादा है, that itself is a risk factor for developing a heart attack in future. So both the things together, आप अपना BP अगर बढ़ा हुआ है और रात को आप अगर अपनी दवाई लेते हैं BP की, तो सुबह का early morning BP surge जिसको बोलते हैं, वो हम कम कर सकते हैं, and possibility of early morning heart attack or a death can also be avoided. Doctor, कौन से जीवन शैली विकल्प मेरे दिल को स्वस्थ रखने में मदद करेंगे? The most important thing जो मैंने देखा और खुद practice करने की कोशिश करता हूँ, is a discipline in your life is very very important. कहने का मतलब है कि उठने का समय fix रखा कीजिए, आप भले 6 बजे उठे या 6:30 या 7 बजे उठे, बट योर टाइमिंग शुड बी फिक्स्ड। गेट अप इन द मॉर्निंग एंड एटलीस्ट आज की तारीख में 1 आवर ऑफ गुड फिजिकल एक्टिविटी इज इम्पॉर्टेंट। उसमें फिजिकल एक्टिविटी में वॉकिंग, जिसमें हम ब्रिस्क वॉकिंग बोलते हैं, जॉगिंग, रनिंग, साइकिलिंग एंड स्विमिंग, ऑल दीज कम एज अ पार्ट, उनमें से जो भी आपको अच्छा लगे और आपके पास सहूलियत हो वो करना चाहिए। डॉक्टर, नमक वास्तव में हम सभी के लिए, विशेष रूप से हृदय रोगियों के लिए हानिकारक है? सॉल्ट इज वन ऑफ द बिगेस्ट एनिमी, पर्टिकुलरली ऑफ इंडियन पेशेंट्स। और इनको अगर मैं डिवाइड करूं तो एक होता है नॉर्मल इंसान जैसे आप और मैं, जिनको अभी तक हार्ट का इशू हुआ नहीं है, उनमें भी हम जो खाना खाते हैं हम बहुत लाइटली लेते हैं, और सॉल्ट हम चाहिए जितना, और वो भी अक्रॉस द कल्चर इन आवर कंट्री, आवर सॉल्ट इनटेक इज वेरी हाई, मे बी महाराष्ट्र, मे बी गुजराती, नॉर्थ और साउथ इंडियन, और ईस्ट इंडियन और नॉर्थ इंडियन, ऑल द प्लेसेस सॉल्ट इनटेक इज वेरी हाई। और जितना आदमी सॉल्ट इनटेक लेता है, उतना ही वैस्कुलर टिश्यू में ब्लड प्रेशर होने के चांसेस बढ़ते हैं, स्वेलिंग बढ़ता है, और इन सब चीजों से हार्ट का प्रॉब्लम भी आ सकता है। डॉक्टर, क्या ये सच है कि ज्यादातर दिल का दौरा सुबह के समय होता है? अर्ली मॉर्निंग आवर्स, प्राइमरली व्हाट हैपेंस इज दैट देयर इज अ लॉट ऑफ एड्रेनालिन सर्ज द मोमेंट द पर्सन इज वेकिंग अप। योर एड्रेनालिन लेवल इज वेरी हाई, थेरबाय द ब्लड प्रेशर एज वेल एज योर हार्ट रेट आर वेरी हाई द अर्ली मॉर्निंग आवर्स, प्रेफरेबली बिटवीन 4 AM टू 6 AM। दैट इज द टाइम व्हेन योर हार्ट रेट इंक्रीजेस एंड द क्लॉटिंग टेंडेंसी इन द हार्ट इज फ्रीक्वेंटली इंक्रीज्ड। और ये प्राइमरी रीजन है कि जिन लोगों को हार्ट अटैक होता है वो जनरली सुबह के समय में होता है। So that is, I think, a primary reason why majority of these sudden cardiac deaths as well as heart attacks both happen in the early morning. मेरा सवाल आपसे है कि दिल के दौरे की चेतावनी संकेत क्या है? जैसे समय बदलता है, हमें याद है कि 60 साल पहले एक हिंदी मूवीज जैसे आया करती थी, तो उनमें लोगों को लगता था कोई छाती पकड़ के बैठ जाए, अनईजी लगे और फेस ऐसा करे, तो सामने वाले को तो पता चल ही जाता है कि ये बंदे को हार्ट अटैक है। बट नाउ एज टाइम्स हैव चेंज्ड, द रिस्क फैक्टर्स हैव मॉडिफाइड और हमारी लाइफस्टाइल बदली है, वैसे सिम्टम्स ऑफ हार्ट अटैक ऑल्सो काफी बदल गया है। वन ऑफ द कॉमनेस्ट सिम्टम इज एसिडिटी और गैस्ट्राइटिस। 10 में से 8 लोग या 9 लोग सिर्फ बर्निंग सेंसेशन चेस्ट में सेंटर में हो रहा है, जलन जिसको बोलते हैं, वो लेके आते हैं। तो वो जलन कई बार कम ज्यादा होती है, लेकिन परसिस्ट करती है फॉर अ पीरियड ऑफ 12 घंटे 24 घंटे के आसपास। दैट इज नॉट एसिडिटी, बट आप ECG करेंगे तो डायग्नोसिस सीधा हार्ट अटैक का होता है।